नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हम आपके लिए हाजिर हैं, लेकर आए हैं क्या कहते हैं आपका मासिक राशिफल मार्च महीने का। और आज हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, इस महीने आपको क्या कुछ मिलने वाला है, ग्रह नक्षत्रों की चाल आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी या फिर आपको बहुत कुछ देने वाली है। आपकी हेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल, आपका लक आपका कितना साथ देगा, एक एक करके हम महेश जी से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं हर महीने जो ग्रह नक्षत्र बदलते हैं उसके आधार पर इस महीने आपके बदलते ग्रह नक्षत्र क्या कुछ बयां कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि धनु राशि वालों का ये जो राशिफल है ये चंद्रमा पर आधारित है। चंद्र राशि के ऊपर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा सटीक विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। आइए आते हैं आपकी कुंडली के ऊपर। इस समय लगन में आपके कोई ग्रह नहीं है। सेकंड हाउस में गुरु, बुध और शनि की युति है, तिग्रह योग है। और थर्ड हाउस में सूर्य और शुक्र की युति है। फोर्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं है। फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में राहु और मंगल की स्थिति है। सप्तम, अष्टम, नवम भाव खाली है। दशम भाव में चंद्रमा है। एकादश भाव खाली और बारहवें भाव में केतु की स्थिति है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति इस महीने आपकी बनी हुई है। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपने अभी तक आशा के अनुरूप अगर आपको परिणाम नहीं मिला था तो वो इस महीने आपको मिलेगा और अच्छा लाभ भी होगा। यानी कि मैं जी ने स्टार्टिंग में ही आपको संकेत दे दिया है कि भाई इस महीने आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य क्या कुछ कह रहा है। देखिए, इस महीने छठे भाव में राहु और मंगल की युति होगी। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से थोड़ा ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में आपको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही इस समय महंगी पड़ सकती है। तो स्वास्थ्य संबंधी वाले जो मामले हैं उसको लेकर आप थोड़ा सजग रहेंगे तो फिर कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं रहेगी। महेंद्र जी, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा महीना, क्योंकि उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये महीना इनको क्या कुछ देगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। जितना मन वो पढ़ाई में लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा और ग्रह स्थिति भी आपके पक्ष में रहती हुई नज़र आ रही है। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बढ़िया है। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए, आपकी हेल्थ के बारे में जान लिया, स्टूडेंट्स के लिए भी जान लिया, और अब बारी आती है आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। जी हाँ, आपके रिश्तों में कितनी मिठास आने वाली है या फिर आपको कड़वाहट का दौर देखना पड़ सकता है, आइए जानते हैं महेश जी से। देखिए, रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के लिहाज से ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहने वाली है तो रिश्ते आपके मजबूत रहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंध भी इस समय आपके काफी मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां थी आपके चाहे लाइफ पार्टनर के साथ चाहे बिलवड के साथ, वो इस समय दूर हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो प्रेम संबंधी मामलों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई इस समय नजर आ रही है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि भाई आपका प्रोफेशनल फ्रंट क्या कुछ कहता है। जी हाँ, जो लोग जॉब्स में हैं उन्हें वहाँ कितनी प्रमोशन मिलने वाली है या डिमोशन होगा, या फिर देखिए जिनका अपना खुद का बिजनेस है तो वहाँ वो इस महीने अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड कर पाएंगे, क्या कुछ खास है इस महीने उनके लिए, आइए जानते हैं। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। नई नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसकी भी संभावना पूरी पूरी बन रही है जी। और कार्यस्थल पर भी आपको अच्छा सम्मानित किया जाएगा क्योंकि ग्रह स्थिति आपकी बहुत ही बढ़िया है। अगर बात करें व्यवसायियों की तो व्यवसायियों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यवसाय आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर आप अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये वहाँ काफ़ी अच्छा है। बिजनेस, नया बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी समय काफ़ी बेहतर रहेगा। मैं जी, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँ, अगर वो लोग कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट अगर करते हैं तो उनके लिए ये वक्त ठीक है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? देखिए, निवेशकों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो उसको सही जगह लेके निवेश करें। गलत जगह निवेश करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छी चीज़ों में, शुभ कार्यों में निवेश करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। दूसरी बात यह कि किसी को पैसा उधार देना इस समय नहीं चाहिए, वो नुकसान हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह स्थिति बता रही है उसी से आपको बचना चाहिए। बाकी धन लाभ के अच्छे आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशे वाले लोग क्या स्विच कर सकते हैं इस दौरान? बिल्कुल, इस दौरान बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो करना चाहें तो बेहतरीन आपके लिए समय है।
चलिए, अब जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि भाई आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसी से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी जुड़ी होती है। देखिए, जितनी मेहनत करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, वैसा रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा कमाएंगे। अब ऐसे में धनु राशि वाले जातक इस महीने कितना कमाएंगे, उनके घर में कितनी बरकत होगी, सेविंग्स कर पाएंगे या नहीं, या फिर कमाया हुआ धन ऐसे ही चला जाएगा खर्चों में, जानते हैं मैं इसे। देखिए, धनु राशि वाले इस महीने अच्छा खासा कमाएंगे, लाभ के संकेत बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, लेकिन खर्च भी उनका ऐसे ही बना रहेगा और ये खर्च शुभ कार्यों में भी हो सकता है, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, उसमें भी पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन धन लाभ के अच्छे अवसर आपको इस समय मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिजूल खर्चे से आपको इस समय बचना चाहिए तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, अब जाते जाते जान लेते हैं भाई आपका भाग्य इस महीने आपका कितना साथ देने वाला है। देखिए, भाग्य प्रतिशत इनका इस समय 80% इनके साथ है, कुल मिला के भाग्य पूर्ण साथ देगा, हर कार्यों में इनको सफलता मिलेगी और कोई इस तरह की कोई ऐसी परेशानी इनको नहीं रहने वाली है, तो भाग्य का पक्ष इनके पूरे साथ है। मेहनत करेंगे तो भाग्य और भी ज्यादा इनका साथ देगा। तो ये अब तक हमने मैंग जी से एक एक करके जाना था कि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कितना खास रहने वाला है, और दूसरी बात देखिए आप अपने काम में, काम कारोबार, अपने कार्य क्षेत्र में कितना अच्छा कर पाएंगे और उसी से संबंधित आप कितना कमा पाएंगे, यानी कि फाइनेंशियली इस महीने आपके लिए ये महीना कितना खास रहने वाला है। भाग्य प्रतिशत जानिए, लेकिन जाते जाते कुछ छोटे मोटे उपाय जिसके करने से ना सिर्फ आप पे आने वाला कष्ट दूर हो सकता है बल्कि देखिए आपकी जिंदगी में खुशियां यूं ही बनी रहेंगी। देखिए, इस महीने आपको क्या करना चाहिए, आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी और आपकी राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी, हालांकि अंतिम पड़ाव है, ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, शनि की 7.5 लाभ देगी क्योंकि शनि की स्थिति बहुत शुभ है, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई तनाव, कोई मानसिक तनाव, कोई परेशानी है तो शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जाप करें तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है तो इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से कॉन्टेक्ट कीजिए, बाई चांस फोन नहीं उठा पाते तो आप इन्हें मैसेज भी छोड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपको मकर राशि के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।